माननीय सदस्य समीर कुमार महंती जी। अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के बारे में है। ये तो अच्छा बात है कि पोषाहार के जो राशि है वो 66,96,50,000 की राशि जिला तक भेज दिया गया, मगर हमेशा इस तरह का विसंगति क्यों होता है? हमेशा देखा जाता है कि भुगतान करने का समय सही समय पर उनको ये आपका राशि प्राप्त नहीं किया जाता है। एक मिनट बिरिंची जी, एक मिनट। माननीय मंत्री जी कौन जवाब दे रहे हैं? जो बैठ अध्यक्ष महोदय बैठे, अभी जवाब दिलाते हैं। बैठे। मार्शल जाओ, आसन पर जाइए। माननीय सदस्य आसन पर जाइए, आसन पर निकालिए, निकालिए उसको, निकालिए। आपको अखाड़ा है क्या? अखाड़ा है बढ़िए। बोलने का तौर तरीका है, आपने बात रख दिया, हम फिर बात करते हैं, फिर आपका है कि माफी मांगने का हम फिर आग्रह करेंगे, तो आप एकदम ऐसे करना तरीका नहीं है यार, ऐसा तरीका नहीं है। और एक बात मानने सदस्य, गलत आचरण बर्दाश्त करने का आदत हमारा नहीं है, एकदम गलत आचरण बर्दाश्त करने का आदत नहीं है। आप बोलिए, बात तरीके से बोलिए, ठीक है? बैठिए बैठिए, हम उनसे बोलवाते हैं। मान्य सदस्य बैठिए, दोनों पक्ष के मान्य सदस्य बैठिए, बोलिए। अध्यक्ष महोदय, जिस बात को लेकर तकरार हो रहा है, मैं समझ सकता हूं कि ठीक है अगर इन्होंने कुछ इस प्रकार की बात की है तो वो माफी मांगेगा, वो एक अलग विषय है, लेकिन जिस प्रकार से शशि भूषण मेहता का व्यवहार है, मैंने बाहें कस करके लड़ने का मूड बनाना, हमें लगता है कि ये स्वस्थ लोक परंपरा का पार्ट नहीं। अध्यक्ष, इनकी निंदा की जानी चाहिए और इनके व्यवहार के विरोध में इन्हें 2 दिनों के लिए निष्कासित किया जाना चाहिए विधानसभा से। अध्यक्ष महोदय, मैं ये मांग करता हूँ और पूरी सरकार भी, हमें लगता है कि इस पर और पूरी विधानसभा इस पर विचार करे। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।